होती है चना कौन निकाला मैं थी तुम थी वो कोकिला बहन। अच्छा वो कोकिला बहन है। ओके गोपी जो जो चना रखती है गोपी जो नाम लेती है राशि बहन राशि बहन राशि बहन जो चना रखती है जो चना निकाल के उसमें रखती है खाली गोबर गैस में जलाती है और गोपी बहन जो चना उतारती है गैस से। आज मैं आप लोगों को जहाँ लेके जाने वाला हूँ आप उसको बोल सकते हो आसाम का वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत जगह में से एक है। वो आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा तलातल घर है। मैं भी पहले बार जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पहले जा चुका हूँ, आज आप लोगों से दिखाने के लिए जा रहा हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी पहले बार जा रहा हूँ देखने के लिए अपने मॉम के साथ और अपने कजिन के साथ। तो एनीवे गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉग, होपफुली सब बढ़िया होंगे और सेफ होंगे। तो आज का ब्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, पूरा ब्लॉग देखना। मुंबई जाने के पहले मैं 10 साल तो आसाम में था ही, लेकिन कभी तलातल घर में कभी गया नहीं। मैंने चलो सोचा कि चलो तलातल घर जाके शूट करते हैं। तो यस बहुत ही मजा लगा, बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब जो होता है ना अंदर घुसने के बाद जो मिलता है वो मिला मेरे को वहाँ पे। तो यस पूरा व्लॉग देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा और मज़ेदार व्लॉग होगा। तो चलो चलते हैं व्लॉग में। सो ये आया हुआ है नाजिरा, सो ये हेल्प करने वाला है मेरा आज। यस गुड, मास्क पहना यार, रूल को फॉलो करते हैं। मम्मा भी चल रही है। काफी लोग को देख रहा हूँ ऑन द वे, कोई मास्क नहीं पहन रहा है। क्यों कैसे करते हुए यार, मास्क पहन के निकलो, मास्क पहन के रूम में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, मास्क पहन के निकलो यार। जान है तो जान है, हम लोग गाड़ी के अंदर है फिर भी वी आर वेयरिंग मास्क। आप देख सकते होंगे ये मॉम मोहन सब ने मास्क पहना है गाड़ी के अंदर। कुछ रिस्क नहीं है, चार लोग ही है, लेकिन फिर भी मास्क पहन के हम लोग निकल रहे हैं। रसोई में क्या था? मैं थी तुम थी मैं था कौन था? कौन थी? राशि बहन। राशि बहन वो राशि थी, वो राशि थी जिसने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया और गैस ऑन छोड़ दिया। गैस तो ऑन ही था ना तभी तो खाली कुकर चढ़ा और गैस ऑन कर दिया ना। गैस पहले से ऑन था। गैस पहले से ऑन था। हाँ, वो सोनम कपूर क्या डाली थी बिना ऑफ किए हुए गैस पे वो खाना बना रही थी? वो तो फोटो डाली थी। अच्छा फोटो डाली थी लेकिन गैस ऑन नहीं था। अच्छा सोनम कपूर को राशि बहन से कुछ सीखना चाहिए। कमेंट सेक्शन में राशि बहन स्पैम कर दो सब। हाँ राशि बहन यस सब जगह राशि राशि। आपका फेवरेट कौन है? राशि की गोपी सकल मतलब राशि कौन है? दोनों ही दोनों कैसे राशि हो सकता है? दोनों ही लड़की है ना। हाँ दोनों तो और गोपी तो लड़की है। अरे नहीं वो एक और है ना जो वो बोलती है कुकर में चना कौन रखा था समथिंग कुछ। सास है। अच्छा वो सास है उसका नाम गोपी है? गोपी है ना। नहीं गोपी तो वो है जो लैपटॉप को क्या बोलता है साबुन और पानी से धो के सुखा ली थी। ओके मेरे को आज तक समझ में नहीं आया गोपी कौन है, कोकिला बहन कौन है। कोकिला बहन भी कोई है ना? अभी तो बोला सास है वही कोकिला बहन है जो बोलती है चना कौन निकाला मैं थी तुम थी वो कोकिला बहन। अच्छा वो कोकिला बहन है। ओके गोपी जो चना रखती है गोपी जो नाम लेती है राशि बहन राशि बहन राशि बहन जो चना रखती है जो चना निकाल के उसमें रखती है खाली गोबर गैस में जलाती है और गोपी बहन जो चना उतारती है गैस से। समझाओ ना मेरे को ये सीरियल देखे बिना तुम्हें पता नहीं चलेगा इतना वायरल हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है वायरल क्यों हो रहा है। आपको वेन डायग्राम से समझाना पड़ेगा। कौन डायग्राम से? वेन डायग्राम। वेन देखो हम आपको समझा रहे हैं। कोकिला बहन है उसकी दो बहू एक गोपी एक राशि ठीक है। तो क्या हुआ कि वो कुकर में चना चढ़ा के आई। ओके इसलिए मैं समझी। तो उसके बाद ये होता है तो राशि बहन को राशि बोलती है कि तुम थी मैं थी नहीं अच्छा वही कोकिला बहन को कोकिला बहन बोलती है। ओके हां तो उसके साथ बोलती तो वो गोपी से पूछती हां तो गोपी वो हे गाइस सो हम लोग पहुंच गए हैं तलातल घर और बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं आप लोगों को एक टूर देता हूं, अच्छा सा टूर देता हूं और आप लोगों को कुछ कुछ बताता हूं तलातल घर के बारे में। तो यस सबसे पहले एक सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कर लो, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ कुछ बताता हूं उसके बारे में। तो ये
के अभी पता चला है कि ये तलातल घर जो मैंने आप लोग कारें घर का टूर दिया था, इसको भी कारें घर बोलते हैं, ये भी कारें घर का ही पार्ट है। हेलो, सो यस, आप देख सकते होंगे इस कारें घर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को टूर दिया था कारें घर का, ऊपर लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हो। तो यस, चलते हैं एक बार, आप लोग अच्छे से टूर देता हूँ मैं अंदर से। और यहाँ पे फोटोग्राफी चल रहा है, चलो कोई नहीं, मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। ये काफ़ी ह्यूज ग्राउंड में बना हुआ है, और तू इतना सिनेमैटिक शॉट लेने की कोशिश मत कर क्योंकि मैं बोल रहा हूँ अभी, तो नॉर्मल रख कैमरा को। मैंने कारें घर वाले ब्लॉग में बताया था कि एक सुरंग है, मैंने उसमें दिखाया भी था, सिक्योरिटी गार्ड ने बोला था उस ब्लॉग में कि सुरंग से जब कोई वॉर होता था, सुरंग से निकल के लोग जाते थे। तो यहाँ पे भी एक सुरंग बना हुआ है जो कि अभी इन लोग ने बंद करके रखा हुआ है। आपको अगर कारेंगर का ब्लॉग याद होगा तो आप देख सकते होंगे ये दरवाज़ा, आपको कुछ याद आया होगा देखकर। एग्जैक्टली ऐसा दरवाज़ा था कारेंगर में जहाँ पे लोग आना जाना करते थे उस वक्त। एंड काफ़ी ग्रीनरी है यार, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इसके अंदर आप जो देख रहे हो, इसके अंदर भी रास्ता था जाने के लिए, लेकिन इन लोगों ने सील्ड कर दिया है, अब कोई को अलाउ नहीं है जाना। पर आप से ऊपर आ सकते हो और उस साइड जा सकते हो जहाँ मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ आप लोगों को। और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये, और ये लोग क्या कर रहे हैं देखते हैं। इन लोगों का फोटोग्राफी चल रहा होगा फॉर श्योर। हाँ, इस गुफा से मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ। ओए, डरा दिया भाई मेरे को। क्या हो गया? हाय, हेलो हेलो हेलो, गिरेगा भाई, भाई गिरेगा गिरेगा। आगे आ जा, आगे आ जा, कोई नहीं, गिरेगा गिरेगा, आ जा, आगे आ जा, आगे आ जा, निकल, उतर जा, जा। हाँ, मतलब एक्चुअली आप अगर आओगे ना यहाँ पे, आपको लगेगा कि आपको इंडिया के बाहर कोई जगह घूम रहे हो। आप लोगों को पता नहीं, लेकिन इंडिया में भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। और कोरोना के चक्कर में अभी तो आप लोगों को मैं बोलूँगा कहीं जाओ नहीं, एक दो साल तक इंडिया को ही एक्सप्लोर करो, इंडिया को ही घूमो पूरा। इंडिया में बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप अगर नॉर्मल डे में आओगे ना, कोरोना का नहीं होता, 4-5 महीने पहले आते तो काफ़ी क्राउड मिलता है यहाँ पे। तो मुझे लगता नहीं लोग ख़त्म होने वाला, फोटोग्राफी चलता रहेगा। तो चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ और आगे, क्यों वेस्ट करना टाइम। एंड यस, मुझे ये कुछ सुरंग टाइप लग रहा है, और मुझे पता नहीं अंदर जा सकते हैं कि नहीं सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं आप लोग को जाके दिखाऊंगा। ये क्या है भाई, इसके अंदर जा सकते हैं? जा सकते हैं, ओके, परमिशन ले लेना चाहिए। फिर बाद में मंचल अंदर गया और कभी बाहर ही नहीं आया तो अच्छा ही लगता है ना। ओ, यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है, आप लोग महसूस कर पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये आहोम के टाइम का जेल हुआ करता था, मुझे पता नहीं ये जेल है कि नहीं, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, लेकिन मोस्टली जेल तो ऐसा ही होता है ना, फिल्मों में जितना मैंने देखा है जेल इसी टाइप का होता है कि चारों तरफ बंद और एक दरवाज़ा छोटा सा। So yes. हाँ, ये बंद किया है इन लोगों ने, ये वाला, बट यस। और इन लोग फोटोग्राफी करते करते यहाँ तक पहुँच गए, अपने मंजिल तक पहुँच गए। और यहाँ पे मैं स्टिल आई कैन सी द टूरिस्ट, यहाँ पे टूरिस्ट लोग आए हुए। यस, ये ऊपर नहीं जा सकते ना, इतने ऊपर बंद कर दिया इन लोगों ने। अगर आप आ रहे हो घूमने के लिए बच्चों लोगों के साथ, तो ध्यान से उनका हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा हाइट में है और किसी का भी पाव फिसल सकता है। और अगर आप बारिश में आते हो ना, ये काफ़ी स्लिपरी हो जाता है, तो रिस्क हो जाता है, तो आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा अगर बच्चों के साथ आ रहे हो तो। अच्छा, वॉशरूम भी यहाँ पे, लेकिन जो लोग जाएंगे कैसे वॉशरूम जाने, तो पुराना, अच्छा आहोम के टाइम का, आहोम के टाइम का वॉशरूम थोड़ी ना होता होगा, ये पुराना तरफ का वॉशरूम, मतलब इस साइड इस तरफ भी रास्ता था पहले। ओके, हाँ, आई थिंक लॉकडाउन के पहले का होगा शायद, मोस्टली यस। हम तोड़ गए जब
तो जितना दिखाना था मैंने आप लोगों को दिखा दिया। होपफुली आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना। आप जब भी आसाम आ रहे हो, शिवसागर आ रहे हो, ये तलातल घर जो है, जिसको कारेंग घर भी बोलते हैं, मुझे भी आज ही पता चला है, आप आ सकते हो। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पे आके। थोड़ा गर्मी है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट ठंड के मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंड के मौसम में अच्छा होता है। यस, तो यस, मिलता हूँ बहुत जल्द अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर डे एंड स्टे सेफ। सेफ, बाय बाय।